हेलो एवरीवन, अक्टूबर का मंथ है और इस मंथ को बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। और हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद काफी सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की, सर कार्डिंग पे वीडियो बनाइए कि ये कार्डिंग क्या होती है, कार्डर्स कौन होते हैं। ये आज का वीडियो जो होने वाला है वो कार्डिंग के ऊपर ही होने वाला है। तो समझते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कार्डिंग होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि कार्डर्स ऐसे कौन कौन लोग होते हैं, ये कार्डर्स होते कौन है। ऐसे लोग जो चोरी की हुई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ऑनलाइन और डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के नंबर्स खरीदते हैं, उनको यूज करते हैं। आईफोन्स या बड़े बड़े जो हेवी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि आपका मैकबुक हो गया या आईपैड हो गए, जो इजिली बिक जाते हैं, कोई भी इसको खरीद सकता है, खरीद लेता है। तो वो क्या करते हैं, उन फ्रॉड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को यूज करते हैं जो कि डार्क वेब से उनको वो परचेज करते हैं। और फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, हम सब लोगों को ऑनलाइन टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उसको बेचते हैं। हालांकि ये क्या करते हैं, जब भी किसी भी वेबसाइट से जब ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो ये बाहर की वेबसाइट पे यूज करते हैं, क्योंकि वहां उनको पिन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब लोग जानते हैं, जब भी हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर पेमेंट करते हैं तो लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमें पिन डालना पड़ता है, अपना ओटीपी डालना पड़ता है पेमेंट। लेकिन ये सेम चीज अगर बाहर की वेबसाइट पे अगर आप कोई शॉपिंग करता है तो वहां पे आपसे ओटीपी नहीं मांगता। ये कार्डर्स क्या करते हैं, बाहर इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर ये क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर नाइजीरिया में या किसी ऐसी कंट्री में किसी के पास पहुंच गया और वो वहां से उन्होंने क्या किया, उसको यूज करके आपके डेबिट कार्ड से पैसे आपके अकाउंट से निकल गए। अब क्या करते हैं, ये इस जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको अपने घर पर नहीं मंगवाते। ये क्या करते हैं कि या तो किसी किराए के मकान पर या फिर किसी रोड साइड लोकेशन पे उसको डिलीवर करवाते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन से बच सके। आपने सुना होगा काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं और वो बहुत सारी फोटोग्राफ डालते हैं कि आईफोन आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा, आईपैड आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा, मैकबुक आपको लेटेस्ट प्रो मॉडल वो आपको 53,000 या 60,000 रुपीज में वो दे देंगे। वो बोलते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि वो कार्डर्स हैं। उन्होंने ये सामान क्या किया, ये फेक डेबिट कार्ड्स को यूज करता या बाहर के डेबिट कार्ड्स ऐसे अकाउंट्स को यूज करता जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिन जिन लोगों के अकाउंट्स में इतना पैसा है, जो डोरमेंट अकाउंट है, जो चलते नहीं है, उनको यूज करकर उन्होंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ये मंगवाया है और आपको वो ऑनलाइन बेच रहे हैं। हालांकि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कितना जेन्युइन है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हो ऑनलाइन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम से तो आप भी एक साइबर क्राइम का हिस्सा बन जाते हो। मतलब ये फ्रॉड के जरिए जो आपके पास सामान आता है, तो आप ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है इन सब चीजों को लेकर। तो कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग हम करें तो अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जो होते हैं काफी सारी वेबसाइट पर जब हम डालते हैं तो मतलब ये क्वेश्चन आता है कि आप सब लोगों के सामने आया होगा कि हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर उन तक पहुंचते कैसे हैं। जब हम किसी भी सोशल मीडिया साइट मतलब या कहीं पे भी अगर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या हमें कोई सामान मंगवाया, तो हम क्या करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पे वहां पे अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट क्या करती है, इन हमारे डेबिट कार्ड के नंबर्स को क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को सेव करा देती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उनकी वेबसाइट पर शॉपिंग करें तो इजीली शॉपिंग हो जाए, आपको वापस से डेबिट कार्ड नंबर डालने की जरूरत ना पड़े। तो ये अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि इंटरनेट पर ये वेबसाइट क्या करती है, हमारे डेबिट कार्ड को सेव करा लेती है अपने डेटाबेस में। लेकिन इंटरनेट पर कोई भी चीज 100% सिक्योर तो होती नहीं है। अभी ना कभी हैकर्स क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स को ब्रीच करते हैं, उनका डेटा हैक करते हैं। और ये हैक करने के बाद क्या करते हैं, ये सारा डेटा को उठाते हैं और डार्क वेब पर डाल देते हैं। अब ये डार्क वेब पर ये डेटा को ना सेल किया जाता है, मतलब आपको डेबिट कार्ड बिक जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर बिक जाते हैं। सो वहां से कार्डर्स क्या करते हैं, इन डार्क वेब को $5 में, $10 में डार्क वेब से इन कार्डिंग कार्ड के नंबर्स को खरीद लेते हैं, जिसमें कि कार्ड का सीवीवी होता है, कार्ड का जो ऊपर नंबर होता है वो होता है, पूरा जो 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट होता है, नेम होता है, वो सारा डिटेल्स उनको इजीली डार्क वेब से मिल जाती है। अब ये डार्क वेब से मिलने के बाद वो क्या करते हैं, उस प्रोसेस कार्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और अपने किसी फेक एड्रेस पर आपके जो सामान होता है उसको मंगवा लेते हैं। ये अब बात करें, रियल एड्रेस पर नहीं मंगवाते, ये हमेशा फेक एड्रेस पर। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये इससे बचना कैसे है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद तो ये हो चुका है कि हम जब भी कोई भी
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपना जो हम बैंक मोबाइल ऐप मोबाइल यूज करते हैं, हमारे पास मोबाइल होता है, तो उस मोबाइल के अंदर जो हमारे पास नेट बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के अंदर हम अपने डेबिट कार्ड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मतलब जब मैं एटीएम पे जा रहा हूँ और अगर मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ तो मैं इनेबल करूंगा, अपने पैसे निकालूंगा और वापस उसको डिसेबल कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर ना चले, तो आप अपने ऐप के अंदर ही इंटरनेशनल जो ऑप्शन होता है उसको बंद कर सकते हो, ताकि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर आपका डेबिट कार्ड नहीं चल पाएगा। तो ये गाइडलाइंस के अंदर हमें ये लिमिट सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। हम सारे लोगों को इस लिमिट सेट करने के ऑप्शंस को जानना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए नेट बैंकिंग में और अपने डेबिट कार्ड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा ट्रस्टेड साइट पे ही अपना डेबिट कार्ड और नंबर्स क्रेडिट कार्ड नंबर्स को यूज करें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट क्या होती है जो फेक होती है, वो आपके डेबिट कार्ड को नंबर्स को सेव करा ले, आपके साथ फ्रॉड कर देती है। सो इससे बचे रहिए। एटीएम, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप एटीएम पर जाते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड को पहले से मतलब, तो मैंने आपको पहले बताया कि इनेबल और डिसेबल करके रखिए, तो जैसे ही आप एटीएम में घुसे तो अपना क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को इनेबल किया आपने, और उसके बाद एटीएम को एक बार जांच ले अच्छी तरीके से कि उस पे कोई स्किमिंग डिवाइस तो नहीं लगा, कोई कैमरा तो आपका पिन नहीं देख रहा, ताकि आपका अगर कोई डेबिट कार्ड का कोई ऐसा कोई डिवाइस लगाया हुआ है तो आपको पहले ही पता चल जाए, क्योंकि आजकल एटीएम्स पर बहुत सारे स्किमिंग डिवाइस मतलब जो आपके डेबिट कार्ड के नंबर्स को और पिन को अपने पास सेव करा लेते हैं, और यही जो डेटा होता है ये डार्क वेब पर चला जाता है। इसलिए बचे रहिए अपने एटीएम के नंबर को। एक और बोनस टिप आप सब लोगों को दे रहा हूं, अपने एटीएम कार्ड के नंबर्स और पिन को कभी लिख कर ना रखें, किसी को फोटो खींचकर क्लिक कर व्हाट्सएप पर ना शेयर करें। नॉर्मली हमारे जो सिमिलरली एज के स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी हमको किसी को पेमेंट करना है या किसी को अर्जेंटली नीड है, तो हम अपने एटीएम की फोटो, फ्रंट की और बैक की फोटो खींच के आपने कभी ना कभी किसी को भेज दी होगी। इवेंचुअली ये जो हम काम करते हैं ये बेसिकली कई बार फोटो जो होती है वो फोन में जाती है, और वो सपोज फोन आपका चोरी हो गया, फोन आपका गिर गया, तो वो उस फोन को, उस फोटोग्राफ को यूज कर आपके साथ क्राइम हो सकता है, मतलब आपका पैसा वहां से भी निकल सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप बच सकते हो, कि आप अगर आपको बचना है कार्डिंग से, आप चाहते हो कि आपका कार्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सिक्योर रहे, तो इन कुछ बातों को आपको ध्यान में देना है। अपना कार्ड किसी को हैंडओवर ना करें, मतलब आपने देखा होगा कि कभी भी हम जाते हैं तो डिनर कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट पे गए तो हम अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमने अपने बिल के साथ उनको दे दिया। ये काम बिल्कुल ना करें, बिकॉज आजकल बहुत सारी स्कीमिंग डिवाइसेज हैं। एक बार आपका कार्ड ऐसे गलत डिवाइस पर स्कीम हुआ, मतलब स्वाइप हुआ, आपका डाटा जो है उसके अंदर सेव हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आपको भी किसी तरह का कोई स्पेसिफिक जो क्राइम है, साइबर क्राइम पता है, तो आपको वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको और एजुकेशनल वीडियोस लेकर आ सकूं।